देखो, सिस्को में, माइक्रोसॉफ्ट में, इनवैक्ट में, आर्टिफिशियल में, कई सारी कंपनीज में कई सारे बग से डील किया मैंने, और इस पूरे प्रोसेस को आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि जब एक बग आता है तो तने भैया उसे कैसे डील करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज होती है नो योर कोड। अगर कोड ही नहीं पता आपको कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, कहाँ से कौन सा क्लास कॉल होता है, कहाँ से कौन सा फंक्शन कॉल होता है, क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, तब तो आप फंस जाओगे। अब तो कोई चारा ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है कि आप बग रिसॉल्व कर सको। तो पहली चीज़ तो ज़रूरी है कि जब आप किसी भी कंपनी में जाओ, और जब मैं किसी भी कंपनी में जाता था तो मैं पहले खूब सारा समय लगा के कोड को समझता था। कई बार तो बड़े बड़े व्हाइट शीट्स लेकर उन पर ड्रॉ भी करता था कि ये एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, ये तीसरा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल इससे साथ इस तरह से इंटरेक्ट करता है, ये ऐसे इंटरेक्ट करता है, ये सारे पीसेस हैं, कई सारे डायग्राम्स। जब भी मैं नई टीम चेंज करता था कई सारे डायग्राम्स बनाता था ये समझने के लिए कि आखिर ये कोड फ्लो कैसे कर रहा है। एक मेंटल मैप बहुत जरूरी होता है अपने कोड का, उसको डीबग करने के लिए। अब मेरे पास आया एक बग, तो मैं आया सेकंड स्टेप पे, रिप्रोड्यूस द बग। अगर बग आप रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हो तो उसको डीबग कर ही नहीं पाओगे। तो पहली चीज तो ये होती है कि भैया अगर एक बग आया है तो उसका जो स्क्रीनशॉट आया है, उसके जो रिप्रोडक्शन स्टेप्स आए हैं, उनको आप चला कर देखो कि आपसे वो बग बन रहा है कि नहीं, दोबारा से आप उसको रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो कि नहीं। अगर वो नहीं कर पाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो पहले तो हमें यही करना पड़ता था। तीसरी चीज होती है यूज अ डिबगर। देखो, डिबगर यूज करना बहुत जरूरी है। मैंने कई लोगों को देखा है जो बस कंसोल लॉग से ही काम चला लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में चल जाता है कंसोल लॉग से काम, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा भी बड़ा होगा आपका ऐप, आपको बहुत मुश्किल होगी कंसोल लॉग कर करके हर बार चलाना, क्योंकि उसमें आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम बार बार चलाना पड़ता है कंसोल लॉग करने के लिए। डिबगर में आप घुस कर एक ही स्टेप पर देख सकते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे घुस घुस के एक एक स्टेप में जा जाकर आप देख सकते हो कि यहां पर क्या वैल्यू हुई, वॉच लगा सकते हो, इफ लगा सकते हो। बहुत ही पावरफुल टूल होती है डिबगर। अगर आपको वो यूज करना नहीं आता है तो वो जरूर सीख लो, क्योंकि जब मैंने उसे यूज करना सीखा, और बहुत लेट सीखा एक्चुअली लाइफ में, तब से मेरी जिंदगी बदल गई थी बिल्कुल, क्योंकि अब बग को डिबग करना बहुत आसान हो गया था। चौथी चीज है लॉग्स को यूज करना। अब आप बोलोगे भैया आपने अभी कहा था कंसोल लॉग मत यूज करना, अब कह रहे हो लॉग यूज करो। देखो, लॉग क्या होता है वो बताता हूं। जब आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे होते हो ना, तो आप हर यूजर के बहुत सारे एक्शन को लॉग करते हो कि यूजर ने अभी इस पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, फिर उसने ये डेटा डाला, फिर यहां गया, फिर इस पेज में गया, फिर इसको क्लिक किया। तो हर इंटरेक्शन जो है वो लॉग होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जब बग को रिप्रोड्यूस करने जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये फ्लो क्या था, तो आप उस यूजर के यूजर आईडी से उसके एक्शंस को रिप्ले कर सकते हो कि अच्छा इसने ये चीजें की थी। उस लॉग से आप वापस से बग को रिप्रोड्यूस कर पाते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मेरा माइक्रोसॉफ्ट में इंटरव्यू हो रहा था, तब तो उसके पहले मैं छोटी कंपनीज में काम किया हुआ था, तो मुझसे मेरे हायरिंग मैनेजर ने पूछा था कि अच्छा ये बताओ तुम बग को रिप्रोड्यूस कैसे करोगे अगर तुम्हारे से एक स्टेप से नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि मैं यूजर को फोन करूंगा, उसको बोलूंगा कि बताओ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, और उस हिसाब से रिप्रोड्यूस करूंगा। तो वो हंसने लगा, वो बोला देखो तने, ये सब स्टार्टअप में हुआ करता था, इतनी बड़ी कंपनी है, मिलियंस ऑफ यूजर, तुम्हें क्या लगता है लोग हमारा फोन लेने के लिए बैठे रहेंगे? नहीं, उसका ये तरीका होता है, उसका ये पूरा का पूरा तरीका होता है कि आप एक एक एक्शन को स्टैक में रखते जाओ और स्टैक से रिप्रोड्यूस करते जाओ, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। देखो, अभी मैं वो वीडियोस ला रहा हूँ जिसमें एक असली डेवलपर कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ, ना कि क्या फल क्या फूल क्या आलू क्या पोटैटो क्या खा रहा है, नहीं। तो अगर तुम्हें मजा आ रहा है इन वीडियोस में, तो जरूर से कमेंट में बताते जाना कि भैया बहुत मजा आ रहा है, ऐसे वीडियोस और बनाओ जिससे हमें डेवलपर की लाइफ के बारे में पता चल सके। अब क्या हुआ, अब आपको पता चलेगा कि बग कैसा है, आपने अपने कोड में आपको पता है कि कोड कैसा है। तो कई बार आप यहीं पर बग को सॉल्व कर देते हो, आपको समझ में आ गया अच्छा ये किया यूजर ने, ये एज केस हमने नहीं रखा था, एज केस पकड़ा जाएगा और हमारा बग खत्म हो जाएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया केस है कि ऐसा हो गया, ऐसा तो बहुत ही कम होता था। कभी कभी क्या होता है, आप कितना भी ट्राई कर लो आप बग को समझ ही नहीं पा रहे हो, समझा ही नहीं पा रहे हो, तब हम एक टेक्निक लगाते हैं, रबर डक टेक्निक। इसमें क्या होता है कि एक कुछ भी रबर डक कहने की चीज है, कोई भी एक चीज रख लो अपने सामने और उसको समझाओ कि देखो ये क्या हो रहा है, यूजर ये करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ये बग आता है, ये बग आता है क्योंकि ये मॉड्यूल से ये मॉड्यूल यहां जा रहा है, ये हो रहा है, ऐसे करके जब आप समझाते हो किसी को बोल बोल कर, तब जाकर आपको एकदम से क्लिक करता है कि ओह शायद ये वाला मैंने मिस कर दिया, ये फ्लो मैंने मिस कर दिया, लेट मी ट्राई दिस फ्लो अगेन। और ऐसा कई बार होता है, सुनकर बहुत ही बेवकूफाना लग रहा है, मेरे साथ खुद कितनी बार हुआ है कि दिनों दिन रातों रात एक बग में लगा हुआ हूं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है इस बग का, यार रिप्रोड्यूस भी हो जा रहा है बट किस कहां से फट रहा है समझ में नहीं आ रहा। और उन केसेस में जब आप किसी और से बात करते रहे तो तब आपको एकदम से चमकता है कि ओह शायद वो वाला पीस मैंने मिस नहीं किया।
सामने वाला सोल्यूशन बताए जरूरी नहीं है, बहुत बार आपको खुद ही चमक जाता है जब आप इसके बारे में बात करते हो। तो चलो मान लो कि नहीं चमका, बहुत ही कठिन बग है, तब क्या करेंगे? तब हम जाएंगे हेल्प मांगने। कहाँ जाएंगे हेल्प मांगने? हेल्प मांगने के लिए बहुत सारी जगह है। पहले तो अपने कलीग से ही आप हेल्प मांग सकते हो कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा बैठ मेरे साथ, पेयर प्रोग्रामिंग कर, तू डीबग कर, हो सकता है तुझे दिख जाए कुछ और। कई बार ऐसा हमें करना पड़ता है, नहीं होता है तो उससे भी नहीं होता है तो हम फोरम्स पे जाते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में इंटरनल बहुत फोरम्स रहते थे, तो अगर रिएक्ट नेटिव का कोई बग है, बहुत ही पेचीदा बग है, तो रिएक्ट नेटिव के फोरम में जाकर, इंटरनल माइक्रोसॉफ्ट के फोरम में जाकर हमने पोस्ट कर दिया कि यार भैया ये बग बहुत मुसीबत कर रहा है, किसी ने ऐसा बग पहले देखा है? तो कोई आ जाएगा हाँ, तो फिर वो बताएगा कि इसको इस तरह से ट्राई करो। कई बार उसने बताया हमसे फिर भी नहीं हुआ, फिर हमने उसको पिंग किया कि यार आज आप आधा घंटा कॉल पर आ जाओ, हमारा एक बार बग डीबग करो। फिर वो कॉल पर आता था, फिर हमारे साथ बग डीबग करता था, तो फिर शायद सॉल्व हो जाए। उस पर भी नहीं हो तो कई बार फिर जाना पड़ता था ओपन सोर्स लाइब्रेरी। अब जो रिएक्ट नेटिव का खुला हुआ है उसमें इश्यूज में जाके सर्च करना पड़ा कि अच्छा इश्यूज में कभी ये बग खुला हुआ है, खुला है तो उसके कमेंट्स में आंसर दिख जाएंगे, नहीं खुला है तो आपने एक इशू खोलना है, इशू खोल कर उस पर सारा का सारा डेटा देना है कि ऐसे। कई बार इसमें एक और परेशानी होती थी यार कि आपका जो बग है वो तो इंटरनल टू माइक्रोसॉफ्ट है, तो आपको अब एक छोटा सा और ऐप बनाना पड़ेगा जिसमें आप इस बग को रिप्रोड्यूस कर पाओ, और फिर आपको उसको पोस्ट करना पड़ेगा स्टैक ओवरफ्लो पे या गिटहब पे ओपन सोर्स पे कि देखो ये बग का रिप्रोडक्शन। क्योंकि अगर आप रिप्रोडक्शन नहीं दे रहे हो तो कोई सॉल्व नहीं कर सकता, और आप माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनल ऐप तो उठा के दे तो ये लो हमारा पूरा का पूरा सोर्स कोड आउट डीबग कर दो, तो वो भी नहीं कर सकते। तो फिर ये करना पड़ता था, बड़ी मुसीबत होती थी। उसके बाद भी कभी सॉल्व नहीं होता था तो ट्विटर पे ट्वीट भी करना पड़ता था कि भाई फंसे हैं, किसी को पता है तो आकर बता दो। फिर कोई आएगा डीएम में और बोलेगा कि यार मुझे भी ये बग आया था, तो फिर मुझे हेल्प मिल जाती थी उससे भी। कई बार तो इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ जाकर मुझे इस बग का सोल्यूशन मिलेगा, कहाँ जाकर मेरी ये समस्या हल होगी। और आपको गिव अप नहीं मारना है, अधिकतर दिमाग तो इसमें ही लगता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बग रिजोल्यूशन में। और ये बहुत भारी चीज है जो आपको कोई ट्यूटोरियल कोई चीज भी नहीं सिखाती। और देखो कभी कभी ऐसा होगा कि आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार, बहुत मुश्किल पड़ जाएगी, दिनों दिन लग गए, हर दिन आपसे स्टैंडर्ड में पूछा जा रहा है कि ओके तने बस अपडेट ऑन दैट बग, एंड तुम बोलोगे कि आजकल मैंने वो ट्राई किया था, परसों मैंने उससे पूछा था। हर दिन आप बताते जाओगे कि आज मैंने ये ट्राई किया, आज मैं ये ट्राई करने वाला हूं, और ये बहुत लंबा प्रोसेस जैसे मैं तुमको समझा रहा हूं, तो हर दिन लगता है काफी सारा कि शायद आज रिजॉल्व हो जाए, और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो कई बार ब्रेक लेना भी जरूरी है। कई बार आप बोलो कि यार मैं इस बग को थोड़े दिन के रख देता हूं, एक दो दिन मैं किसी फीचर पे काम करता हूँ, या एक दो दिन मैं किसी और चीज पे काम करता हूँ, फिर मैं बग को उठाऊंगा। उससे क्या होता है, इसको कहते हैं डिफ्यूज स्टेट। जब कोई प्रॉब्लम डिफ्यूज स्टेट में चले जाती है आपके दिमाग में, तो उसका सलूशन खुद ब खुद आ जाता है बहुत देर बाद। कई बार ऐसा होता है कि आप चाय पी रहे हो अपने कलीग के साथ, वॉक कर रहे हो, अब आप उस बग के बारे में सोच नहीं रहे हो, और एकदम से, और वो जो मीम है ना जिसमें वो रात को सोता रहता हो, एकदम से उसको बग का रिजोल्यूशन आ जाता है, वो सच में होता है भाई, वो मीम ऐसे ही नहीं है। तो ब्रेक लेना भी जरूरी है। चलो मान लो अब यहां फाइनली तुम्हें बग का रिजोल्यूशन मिल गया, तो तुम क्या करोगे? तुम सीधा सीधा उस रिजोल्यूशन को टाइप करके नहीं दे दोगे, तुम क्या करोगे, खूब सारी टेस्टिंग करोगे, रिजोल्यूशन को डाल के ढेर सारा टेस्ट करोगे कि अच्छा चल रहा है ना, ये कंडीशन भी चल रहा है ना, वो कंडीशन भी चल रहा है ना, ये कंडीशन भी चल रहा है ना, अगर इधर से आएंगे तो भी चलेगा, उधर से आएंगे तो भी चलेगा ना, हर तरह से चलेगा ना, बहुत सारी टेस्टिंग करते हो। तो जब तक बग का रिजोल्यूशन को खूब सारा टेस्ट मत कर लो, तब तक उसको डिप्लॉय नहीं करना। और चलो अब तुमने टेस्ट कर लिया, हाउ विल यू मेक श्योर कि ये बग दोबारा नहीं आए? इसका भी तरीका होता है कंपनीज में, हम एक ऑटोमेटेड टेस्ट लिख देते हैं उस बग के लिए। अधिकतर बार क्या होता है, ये जो बग्स आए होते हैं, जो बहुत ही सरदर्द बग्स होते हैं, बहुत ही कॉर्नर कंडीशन होते हैं, जो हम डेवलपमेंट के टाइम भूल चुके होते हैं, तो अगली बार जब हम फिर डेवलपमेंट करेंगे तो हो सकता है हम इस फिक्स को ब्रेक कर दे कहीं से। तो हमें क्या करना चाहिए, हम इस फिक्स के लिए एक टेस्ट लिख देना चाहिए, एक ऑटोमेटेड टेस्ट। तो जो अच्छी कंपनीज होती है, बड़ी कंपनीज होती है, उनमें ये मैंडेटरी होता है कि जब आप एक बग फिक्स कर रहे हो तो आप उसका एक टेस्ट भी ऐड करो, ऑटोमेटेड टेस्ट भी ऐड करो खुद से, ताकि नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट थिंग जो आपको करनी होती है एक बग फिक्स जर्नी में, वो ये होती है कि उस जर्नी को डॉक्यूमेंट कर दो भाई। तो जब आपने वो जो पूरा एक इशू बनाते हो आप, जरूरी नहीं डॉक्यूमेंट करने के लिए एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिखो, नहीं, देखो बताता हूँ कैसे करते हैं। आप एक इशू बनाया बग का, उस बग के इशू पर ही आपने ये पीआर भेजा, तो जब कोई भी उस कोड को देखेगा, जो कोड है, जो टेस्ट है, उसके गिट ब्लेम में वो नंबर रहेगा कि ये पीआर का नंबर क्या है। उस पीआर के डॉक में, जो पीआर का एक गिटहब का
इशू आता है ना, डॉक आता है, उसमें जाकर आप लिख सकते हो कि मैंने इसको कैसे रिजोल्व किया था, मुझे क्या समझदारी आई थी, क्या प्रॉब्लम था। तो आपको कमेंट डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोई इतना कमेंट नहीं पड़ता और कोड अदरवाइज पूरा कमेंट से भर जाएगा। आपको अलग वर्ड डॉक लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो फिर कोड से दूर हो जाएगा। तो आपको क्या यूज करना है, आपको गिट की इस पावर को यूज करना है कि जब भी कोई उस कोड को देखेगा उसके सामने उसका पीआर का नंबर आ जाएगा गिट ब्लेम के थ्रू या गिट लेंस के थ्रू, और जब वो आ जाएगा तो वो उस पर क्लिक करके समझ सकता है कि समस्या क्या थी और समाधान क्या था। और इस तरह हमारी आपकी बग रिजोल्यूशन की जर्नी होती है कंप्लीट। मजा आया हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। यूट्यूब को बताओ कि तुम्हें इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी बताओ, ताकि मैं इस तरह के रियल लाइफ सिनेरियो वाले वीडियोस और बना सकूं।